हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एमजे स्टार एजुकेशन में। फ्रेंड्स, रेलवे एलपी टेक्नीशियन और जेई कैंडिडेट के लिए एक बड़ी अपडेट आ रही है। फाइनली ईस्टर्न रेलवे के अंदर जो आरआरबी कोलकाता का कुछ भाग आता है, तो उन्होंने जो है रिप्लेसमेंट पैनल की मांग की है एलपी टेक्नीशियन और जेई कैंडिडेट की, जिसके अंदर कुल मिला के अलग अलग पोस्ट के अनुसार 142 कैंडिडेट की मांग की गई है। इसके अनुसार जो है आने वाले कुछ समय में आपको आरआरबी कोलकाता से जो है एलपी टेक्नीशियन और जेई कैंडिडेट के रिप्लेसमेंट पैनल देखने को मिलेंगे और कुछ वेटिंग भी यहाँ पे क्लियर होगी। तो वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखिएगा, पूरी अपडेट दूंगा। और जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि उन्हें भी पल पल की न्यूज मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, क्या अपडेट आई है उसे देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो जोन जो ईस्टर्न रेलवे है, लेकिन आरआरबी कोलकाता ईस्टर्न रेलवे के अंदर जो कुछ भाग आता है आरआरबी कोलकाता का, तो उन्होंने जो रिप्लेसमेंट पैनल की मांग की है। यहाँ पे आप देख सकते हो कैटेगरी वाइज रिक्वायरमेंट टू रिप्लेसमेंट पैनल फॉर आरआरबी कोलकाता, और 28/5/2021 को ये अपडेट दी गई थी। और यहाँ पर जैसे कि जिस यूनिट को जितने कैंडिडेट की ज़रूरत होती है, तो वो यूनिट जो है अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार जो है वो डिवीज़न के अंदर रिपोर्ट करता है, और डिवीज़न ये जो है यूनिट की मांग को आगे आरआरबी के अंदर जो है जोन जो अलग अलग जोन होते हैं उसके अंदर फॉरवर्ड करता है। और जोन जो वो आरआरबी को बोलता है कि इस डिवीज़न के अंदर इतने कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है, तो आप जो है कैंडिडेट की मांग को फुलफिल करें, और उस अनुसार जो है आरआरबी रिप्लेसमेंट पैनल जारी करती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आने वाले दिनों में आपको आरआरबी कोलकाता से एलपी जेई और टेक्नीशियन के वेरियस पोस्ट के रिप्लेसमेंट पैनल देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर यहाँ पर आप देख सकते हो जो एलपी कैंडिडेट है इलेक्ट्रिकल के अंदर जो है 18 कैंडिडेट और मैकेनिकल के अंदर 7 कैंडिडेट यहाँ पे बताए गए कि इतने कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट अभी है। इसके अनुसार जो है टेक्नीशियन के अंदर अलग अलग पोस्ट के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हो जो है कैटेगरी नंबर 28 के अंदर एक कैंडिडेट, 44 में एक कैंडिडेट, 47 में एक कैंडिडेट, 49 में तीन, उसके अनुसार यहाँ पर आगे आप देख सकते हो 54 के अंदर 10 कैंडिडेट, 126 के अंदर एक कैंडिडेट, और इसी अनुसार अलग अलग पोस्ट के अनुसार जो है कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट यहाँ पे बताई गई है। वहीं यहाँ पे आप देख सकते हो मैकेनिकल के अंदर भी यहाँ पे इतने कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट बताई गई है। और यहाँ पे जब आप नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो एसएनटी जो कैटेगरी नंबर 134 और 136 है, उसमें 5-5 कैंडिडेट की अभी भी रिक्वायरमेंट बताई जा रही है। और यहाँ पर नीचे की तरफ जेई कैंडिडेट का बताया गया है जो सी ए नंबर 03/2018 के थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें भी जो है अलग अलग कैटेगरी के अनुसार यहाँ पे आप देख सकते हो कैटेगरी नंबर 2-3 के अंदर यहाँ पे 2 और 6 कैंडिडेट, 14 के अंदर 5, 15 के अंदर 2 कैंडिडेट। इस अनुसार जो टोटल 142 कैंडिडेट का जो है आपको रिप्लेसमेंट पैनल आने वाले दिनों के अंदर देखने को मिलेगा आरआरबी कोलकाता के द्वारा। तो इसके अंदर जो कैंडिडेट अभी वेटिंग लिस्ट के अंदर है, तो उनका जो है कट ऑफ के अनुसार जो कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा, तो उनका जो है रिप्लेसमेंट पैनल आरआरबी कोलकाता के द्वारा आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा, जिसका ये मांग पत्र अभी जारी किया है। तो फ्रेंड्स, ये थी एक अपडेट एलपी टेक्नीशियन और जेई कैंडिडेट के लिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल एमजे स्टार एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि इसी प्रकार न्यू वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।